हेलो स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फोनो रिसेप्टर एंड स्टेटो रिसेप्टर जो कि ईयर कहलाते हैं। ह्यूमन के अंदर ईयर जो है फोनो सुनने का भी काम करते हैं और स्टेटोस्टिक इक्विलिब्रियम बनाने का भी काम करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। वर्टिब्रेट का ईयर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये बाइलेटरली सिचुएटेड होता है ह्यूमन स्कल के ऊपर। इसमें जो लेवल रहता है इनका नोज़ के लेवल पर, आइदर साइड में आप देखते हैं कान प्रेजेंट होते हैं। मेन फंक्शन जो होता है इनका हियरिंग का होता है और हियरिंग के कारण ये इनका स्ट्रक्चर जो है, अगर आप हियरिंग पार्ट को देखेंगे तो उसमें आपको ड्यूरिंग डेवलपमेंट सॉरी इवोल्यूशन जो है कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आएगी। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट है जहाँ पर वर्टिब्रेट्स का जो इवोल्यूशन हुआ वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो नज़र आई। जो सेकंड फंक्शन है जिसमें वो मेंटेनिंग बैलेंस इक्विलिब्रियम का रोल प्ले करते हैं, वहाँ पर हमें लिटिल वेरिएशन दिखती है इन वर्टिब्रेट्स के अंदर। ईयर का एनाटॉमिकली अगर उसको डिवाइड करें तो थ्री पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। पहला एक्सटर्नल पोर्शन, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं इसमें जो डार्क कलर का आपको गोल्डन कलर का पार्ट दिख रहा है दैट इज़ आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर कहलाता है। नेक्स्ट जो पिंकिश पार्ट है दैट इज़ मिडल ईयर और यहाँ पर जो है वो बोन्स और टिम्पैनिक कैविटी जो होती है। और थर्ड जो पार्ट है दैट इज़ ब्लूइश आपको दिख रहा है, यह है इंटरनल ईयर और इनर ईयर का नाम देते हैं इसको। सबसे पहले आता है कि ईयर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ड्यूरिंग डेवलपमेंट तीनों पार्ट में से जो एक्सटर्नल, इंटरनल और मिडल ईयर है, इंटरनल ईयर जो है सबसे पहले डेवलप होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट में। इसके दो पार्ट होते हैं, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ होता है जो कि एक्टोडर्मल इनवेजिनेशन से बनता है और बोनी लेबरिंथ होता है जो कि मीजोडर्म से अराइज होता है। एक थिकनिंग होती है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म है जो ब्लूइश आपको दिख रही है और ये ग्रे कलर की जो है एंडोडर्म है, उनके बीच में जो है मीजोडर्म है। तो एक्टोडर्म के सरफेस से एक थिकनिंग जो है ओरिजिनेट होती है ऑन ईच साइड ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, क्योंकि टू ईयर्स प्रेजेंट हैं, आइदर साइड में प्रेजेंट हैं, तो दोनों साइड के जो हाइंड ब्रेन का एक्टोडर्म होता है वहाँ से एक थिकनिंग ओरिजिनेट होती है जिसको बोलते हैं ऑडिटरी प्लेकोड और ओटिक प्लेकोड बोलते हैं। ठीक है, प्लेकोड जो होते हैं दोनों साइड के हेड में, उसमें जो है इन्वेजिनेशन शुरू हो जाती है और वो बना लेती है एक ऑडिटरी पिट। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये पिट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। पहले थिकनिंग होती है, सेल जो है वो थिक हो जाते हैं उस एरिया के, फिर वहाँ पर एक पिट जो है वो ओरिजिनेट हो जाती है और ये धीरे धीरे जो है अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं ऑडिटरी वेसिकल और ओटोसिस्ट। ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ये कप शेप स्ट्रक्चर में आया और फिर ये वेसिकल फॉर्म में जो है वो आ जाता है जिसको ऑटोसिस्ट बोल देते हैं। ये वेसिकल फिर एक्टोडर्म से जो है डिटैच हो जाती है, सेपरेट हो जाती है और मेसेनकाइम के अंदर जो है सिंक कर जाती है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये एक्सटर्नल सरफेस के जो है कम्युनिकेट करती है बाय इन्वेजिनेशन कैनाल के द्वारा। फिशेस के अंदर, टेट्रापोड्स के अंदर देखिए इन्वेजिनेशन कैनाल बनती है जिसके कारण अब ये इसका बाहर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है इस वेसिकल का, तो बाहर के साथ कनेक्शन नहीं होगा तो हेयरिंग कैसे होगी, सुन कैसे पाएंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ एक एक्स्ट्रा इन्वेजिनेशन कैनाल बन जाती है तो जिसका बाहर के इन्वायरमेंट के साथ कनेक्शन रहता है। लेकिन फिशेज़ के अंदर, टेट्रापोड्स के अंदर, देखिए मैंने बताया था जो हेयरिंग
फंक्शन है उसको परफॉर्म करने वाले जो पार्ट होते हैं उनका अगर आप वर्टिब्रेट्स के अंदर कंपेयर करते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। तो फिशेज और टेट्रापोड्स के अंदर क्या होता है, ये कैनाल डिसअपियर हो जाती है और क्या बन जाता है, उस वेसिकल के दो पार्ट बन जाते हैं। अब ये वेसिकल है, इसका जो वेंट्रल पार्ट होता है वो सेक्यूल बना लेता है और कॉक्लियर डक्ट बना लेता है जिसमें स्केला मीडिया जो है अब हम आगे पढ़ेंगे, और जो डोर्सल पार्ट होता है वो यूट्रिकल बना लेता है। ये डोर्सल पार्ट जो है डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और ये बनाएगा यूट्रिकल सेमी सर्कुलर कैनाल एंडो लिम्फेटिक डक्ट एंड सैक, और जो डोर्सल पार्ट है वो बनाएगा वेंट्रल पार्ट जो होता है वो सेक्यूल और कॉक्लियर डक्ट जो है वो बनाता है। तो सबसे पहले अब आप यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में, ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है उस वेसिकल से जो ऑडिटरी वेसिकल है उससे क्या बनता है, दो पार्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, जिसके हमने बताया था जो वेंट्रल पार्ट होता है वह सेक्यूल और कॉक्लियर डक्ट बनाता है, और जो डोर्सल पार्ट जो येलोइश पार्ट आपको दिख रहा है वो जो है यूट्रिकल सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो पार्ट जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। तो जो आपको लाइट ग्रीनिश स्ट्रक्चर जो है वो दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अब इसके अंदर जो है डिफ्रेंशिएशन होती है, तो ये सबसे पहले इसका जो लोअर पोल है वो कॉक्लियर डक्ट, इसका जो लोअर पोर्शन होता है वो इस तरह की आप देखेंगे, ये ग्रीनिश पार्ट जो है इन इसके अंदर जो है इनवेजिनेशन होती जा रही है, और ये इस तरह का सर्कुलर स्पाइरल फॉर्म जो है वो ले लेता है जिसके अंदर 2.5 टर्न यानी कि 2 कंप्लीट टर्न और 1/2 टर्न जो है वो बन जाता है, जैसे आप स्नेल का देखते हैं ना सरफेस वैसा। और डक्टस रीयूनियंस, ये वाली जो डक्टस है ये डक्टस जो है उसको आपस में यूट्रिकल के साथ जोड़े रखती है। मीजेनकाम जो सेल होते हैं इसको सराउंड करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या करते हैं, इनके अंदर ये कॉक्लियर डक्ट के चारों तरफ सराउंडिंग करके क्या बना लेते हैं, कार्टिलेज। ठीक है, इसके चारों तरफ बिल्कुल सेम कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर बन जाता है। ये कार्टिलेजिनस सेल धीरे धीरे उसमें वल्केनाइजेशन हो जाती है, वैक्यूल जो है वो बनना शुरू हो जाता है। इस वैक्यूलाइजेशन के कारण 2 पेरिलिम्फेटिक स्पेस डेवलप हो जाते हैं, एक ऊपर और ये एक नीचे। ठीक है, और ये कहलाते हैं स्केला वेस्टिबुला। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुला और नीचे वाले को बोलते हैं स्केला टिम्पैनी। जो स्केला वेस्टिबुला होता है वो उसकी वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन होती है जो कॉक्लियर डक्ट को स्केला वेस्टिबुल, ये बीच का जो पोर्शन है ये कॉक्लियर डक्ट है। ठीक है, अब जो स्केला वेस्टिबुला है वो कॉक्लियर डक्ट से डिफ्रेंशिएट होता है बाय ए वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन के द्वारा। उसी तरह से जो बेसिलर मेम्ब्रेन है टिम्पेना की वो कोक्लियर डक्ट से सेपरेट आउट करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। एक जो अभी सिर्फ और सिर्फ क्या बता रही हूँ कि जो मीजेनकाइम सेल थे कोक्लियर डक्ट के चारों तरफ वो कार्टिलेजियस बना लेते हैं, एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसके चारों तरफ, और उसके सेल जो हैं वहां पर क्या है वैक्यूलाइजेशन हो जाती है, वैक्यूल फॉर्मेशन होने लग जाती है, सेल जो प्रोग्राम सेल डेथ के द्वारा सेल जो है वहाँ से ख़त्म होते चले जाते हैं और वैक्यूल जो है वो एक कैविटी जो है वो अपियर हो जाती है। यहाँ पर क्योंकि दो ऊपर और नीचे दो कैविटी बनती है, बीच में जो है वो कोक्लियर डक्ट रह जाती है, और ये वैक्यूल की जो डक्ट बनती हैं ये स्केला वेस्टिबुला स्केला टिम्पैनी, और इनके बीच में एक मेम्ब्रेन रहती है जो कि कॉक्लियर डक्ट से सेपरेट करती है इनको। कॉक्लियर डक्ट के अब बीच वाली जो डक्ट है इसके डक्ट के कुछ सेल जो हैं जिसको एपिथीलियल सेल बोलते हैं वो रिज बना लेते हैं, 2 रिजेस। अब आप यहाँ बेस पर देखेंगे ये स्ट्रक्चर जो है वो
ये ग्रीनिश सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये ऐसे जो है रिज बना लेते हैं, जिसमें जो इनर रिज होता है वो तो फ्यूचर स्पाइरल लिम्बस बना लेता है, जो कि आपको स्पाइरल स्ट्रक्चर दिखता है, और जो आउटर रिज होता है उसके जो सेल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इंटू सेंसरी हेयर सेल में, जिसमें अपर जो इनर रो होती है उसमें सिंगल सेल होता है या टू सेल होते हैं, और जो लोअर रो होती है उसके अंदर टू सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से रो बन जाती है यहाँ पर इस तरह से सेंसरी सेल की, और ये सेंसरी सेल जो हैं अब आप देख पाएंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है कॉक्लिया डक्ट के अंदर, और ये जो सेल होते हैं सेंसरी सेल हैं इनके ऊपर आपको बिल्कुल लाइट पर्पल कलर की टेक्टोरल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। सेंसरी सेल और ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन आपस में, अब ये देखिए पूरी लेंथ में है, जितनी स्पाइरल लेंथ है उतनी लेंथ में ये सेल और ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और ये बनाती है ऑर्गन ऑफ कोटी, जो चारों तरफ कार्टिलेज की बाकी जो रेस्ट ऑफ कार्टिलेज बच जाती है उसकी क्या होती है ऑक्सीफिकेशन शुरू हो जाती है और वो बोनी लेबरिंथ बना लेती है। आप देखेंगे कि ये जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर ये वाला पोर्शन, ये आपको जो ब्राउनिश सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बोनी लेबरिंथ बन जाता है, और कुछ सेल जो है वो स्केला वेस्टिबुला स्केला टिम्पेनी बना लेते हैं, सेल नहीं सेल की डीजनरेशन से वैक्यूल बन जाता है, जो कि ये दो स्ट्रक्चर बनाते हैं। कॉक्लियर डक्ट में ऊपर वाले सेल तो स्पाइरल लिम्बस बनाते हैं और लोअर सेल जो होते हैं वो लोअर रिजिस के जो सेल होते हैं वो जो है सेंसरी सेल जो है वो कंस्टिट्यूट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट आता है यूट्रिकुलस। अब ड्यूरिंग फोर्थ वीक में जो है ये डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, ड्यूरिंग सिक्स वीक में क्या होता है एक अनदर स्ट्रक्चर अपियर होता है जिसको बोलते हैं यूट्रिकुलस। यूट्रिकुलस आप यहाँ पर देख पाएंगे, सेकुलस जो है वो नीचे वाला पार्ट बना, ये वाला किसका ऑडिटरी वेसिकल का जो वेंट्रल पार्ट होता है वो सेकुलर और ये डक्ट वाला पोर्शन बना लेता है कोक्लियर डक्ट, ठीक है। अब जो ऊपर वाला पार्ट है जो कि डोर्सल पार्ट है वो बनाता है यूट्रिकुलस। अब ये यूट्रिकुलस आप देखेंगे, यूट्रिकुलस जो होता है ये एक चैम्बर है पूरा, आप देखें यहाँ पर, और इसके अंदर ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो निकलती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक पोर्शन एम्प्टी सा जो स्पेस दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये यूट्रिकुलस कहलाता है। इसमें सेकुलस नहीं आएगा, मेरी जो मार्किंग है क्योंकि थोड़ी ब्लर, इस तरह का स्ट्रक्चर जो बना वो यूट्रिकुलस है। इससे क्या होता है थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल जो है एज ए फ्लैटेंड आउट पॉकेटिंग इस यूट्रिकुलर पार्ट से ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ पर देखेंगे एक दो और तीन इस तरह की, ये इसमें क्या होती हैं एक कोई लॉन्गिट्यूडनल होती है कोई ट्रांसवर्स होती हैं, तो ओरिजिनल जो है वर्टिकल दो तरह की सेमी सर्कुलर कैनाल जो हैं एज फ्लैट आउट पॉकेटिंग, और कहाँ से यूट्रिकुलस से अराइज होती हैं। यूट्रिकुलर पार्ट ऑप्टिक वेसिकल का डोर्सल पार्ट होता है। सेंट्रल वॉल जो होती है इसकी, आप देखेंगे जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसके जो सेल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अपोज करते हैं और धीरे धीरे डिसअपियर शुरू होने लग जाते हैं बाय प्रोग्राम सेल, वही सेम क्या है धीरे धीरे वहाँ पर एक डक्ट बन जाता, ठीक है, कि वैक्यूल बन गया और वो वैक्यूल शेप ले लेता है और एक डक्ट बन जाती है सेमी सर्कुलर कैनाल की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है इसका वन एंड जो है वो आप देखेंगे डायलेट हो जाता है, ये वाला पोर्शन और ये सिर्फ वन, एक कैनाल का जो एक पोर्शन है एक एंड है वो डायलेट हो जाता है और उसको बोलते हैं क्रश एम्पुलेरी,
और दूसरा एंड जो है वो बिल्कुल फ्लैट रहता है, उसमें कोई वाइडनिंग जो है वो नहीं देखने को मिलती, उसको बोलते हैं क्रस नोन एम्पुलरी। टोटल अगर आप क्लियर में देखेंगे तो एक यूट्रिकुलस पार्ट के अंदर जो है 5 क्रूरा एंटर होते हैं, जिसमें से 3 तो जो है एम्पुला वाले पार्ट हैं और 2 जो है वो विदाउट एम्पीला। ऐसे देखो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है तो 6 क्यूराज होने चाहिए, 6 नहीं होते क्योंकि जो ये पोस्टीरियर और एंटीरियर, सुपीरियर और पोस्टीरियर जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं वो फ्यूज करके एक सिंगल कैनाल बना लेती हैं वन एंड पे, जिस पे एम्पुला प्रेजेंट नहीं होता, और इसी कारण 5 जो हैं क्रूराज जो हैं वो इस वेस्टी यूट्रिकुलस के अंदर खुलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब यूट्रिकुलस जो है वहां से सेमी सर्कुलर कैनाल निकली और जो सेकुलस था वहां से कोक्लियर डक्ट निकलती है। अब इस एम्पुला के जो सेल होते हैं वो क्रिस्टा एम्पुलरिस बना लेते हैं, जहां पर स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल होते हैं जिसको बोलते हैं मैकुला। ठीक है, मैकुला ऑफ यूट्रिकुलस, मैकुला ऑफ सेकुलस, ठीक है, स्पेशल सेंसरी सेल होते हैं जो कि यूट्रिकल और जो सेकुलस है दोनों की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ये सेंसरी सेल जो हैं वास्तव में इक्विलिब्रियम में हेल्प करते हैं। उसके बाद मिडल ईयर की डेवलपमेंट होती है। इंटरनल ईयर में आपने देखा कि सेकुलस, यूट्रिकुलस, सेकुलस और कॉक्लियर डक्ट, यूट्रिकुलस से सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो इंटरनल पार्ट बना लेती हैं, जिसमें कॉक्लियर डक्ट जो है वो हियरिंग में हेल्प करती हैं और जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, सेकुला है, यूट्रिकुलर है, ये जो है वो इक्विलिब्रियम में हेल्प करते हैं। मिडल ईयर की जो डेवलपमेंट होती है वो अब आप देखिए ये वाला 2 मंथ का जब टाइम होता है उस समय क्या होता है, एक मिडल ईयर कैविटी और जो ऑडिटरी ट्यूब होती हैं वो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से बनती हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्यूबो टिम्पैनिक सकलस। ये जो आपको पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है ये पाउच है, फेरेंजियल पाउच, फर्स्ट फेरेंजियल पाउच की जो है इमेजिनेशन होती है टुवर्ड्स द ईयर की तरफ। तो यहाँ पर ये जो पार्ट होता है जिसको ट्यूबो टिम्पैनिक सल्कस बोलते हैं ये एंडोडर्म से लाइंड होता है। अब देखिए वो जो पार्ट बना था इंटरनल ईयर जो बना था वो एक्टोडर्म लाइन था और ये पार्ट जो है वो एंडोडर्म से लाइनिंग से बना है, और ये जो मेंडिबुलर आर्च होती है और जो हायोड आर्च होती है, जब हमने विसरल आर्चिस पढ़ी थी उसमें देखा था जो मेंडिबुलर आर्च है और हायोड आर्च होती है उनके बीच से जो है ये डेवलप होती है। ये पाउच एक्सटेंड कर जाता है लेटरल डायरेक्शन में और धीरे धीरे ये जो फर्स्ट फेरिंजियल क्लेफ्ट होता है उसके कांटेक्ट में पहुंच जाता है, यानी कि आप देखिए उसकी इलोंगेशन होती है और ये धीरे, ये जो आप बोन्स देखेंगे ना मिडल ईयर में, आपको पता है बोन्स जो है मैंडिबुलर आर्च और हायोड आर्च से बनती हैं, तो ये भी जो अराइज होती है ट्यूब पाउच जो अराइज होता है ये मैंडिबुलर हायर आर के बीच से ही अराइज होता है, और ये पाउच जो है लेटरल डायरेक्शन में मूव करता है और धीरे धीरे जो फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट होती है उसके कांटेक्ट में आ जाता है। इस फेरेंजियल जो पाउच है इसके 2 पार्ट बनते हैं, जो डिस्टल पार्ट होता है आगे वाला पार्ट जो होता है वो ट्यूबो टिम्पैनिक रिसेस कहलाता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और जो प्रोक्सीमल पार्ट होता है वो ऑडिटरी ट्यूब बनाता है, जो स्टेचियन ट्यूब आप देखेंगे कान के अंदर से लिंक होती हैं उस ट्यूब के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब आती हैं ओसिकल्स। ओसिकल जो मिडल लेयर में बनती हैं वो क्या होता है, जो मीजनकाइम आप देखेंगे बीच के जो ये मीजनकाइम सेल होते हैं ये प्रिमिटिव जो हमारे ईयर की टिम्पैनिक कैविटी का बनेगी इस रीजन के अंदर, वहाँ पर कुछ जो है कंडेंसेशन होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो डोर्सल टिप होता है
फरिंजियल आर्च 1 और 2 का वो प्रोलिफिकेट होना शुरू हो जाता है। और मेलस, मेलियस और इंकस, दो जो बोन्स होती हैं वो फरिंजियल आर्च 1 जो मैकल्स कार्टिलेज है वहाँ से अराइज होती हैं। स्टेपीज जो होती है वो सेकंड फरिंजियल आर्च जो होती है रिकर्ट कार्टिलेज से बनती है। ठीक है, तो इस तरह से बोन जो है ये प्राइमोर्डिया की तरह से ओरिजिनेट होते हैं मीजेनकाइम के अंदर और धीरे धीरे ये बोन के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये जो है 2 मंथ का स्ट्रक्चर है। 3 मंथ में ये आपको देखो डिस्टल पार्ट जो था ट्यूबो टिम्पेनिक रिसेस ये धीरे धीरे इन ओसिकल्स की तरफ बढ़ रहा है और ओसिकल पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे ये पूरी कैविटी जो है उस ओसिकल के चारों तरफ बना लेते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल ईयर। अब आपने देखा इंटरनल ईयर पूरा बन गया, मिडल ईयर में हमने देखा ओसिकल्स बन गए और टिम्पैनिक कैविटी जो है वो बननी शुरू हो गई, जो कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो तीनों लेयर से मिलकर बनी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। जब आपने देखा था ये इनिशियल स्टेज जब मिडल ईयर बनना शुरू होता है, फर्स्ट फेरिंजियल पाउच, ये फर्स्ट फेरिंजियल पाउच बनी और इसके ऑपोजिट जो है फेरिंजियल ग्रूव बनता है। ठीक है, ये ओटिकल वेसिकल जो कि इंटरनल ईयर बना रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इनिशियल स्टेज में डेवलप होता है। ये इंटरनल ईयर बनता चला जाता है ओटिक वेसिकल से और यहाँ पर ये ग्रूव जो है आगे जो हम बताया जो ट्यूबो टिम्पैनिक रिसेस बनता है और जो डोर्सल पार्ट होता है प्रोक्सीमल पार्ट होता है वो एस्टेचियन ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है इनर साइड की तरफ टुवर्ड्स द ओसिकल्स की तरफ और धीरे धीरे आप देखेंगे ये इसकी ग्रोथ होती चली जाती है और ये धीरे धीरे पूरी ओसिकल्स को कवर कर लेता है। अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनती है, अब इस रीजन में आप देखिए ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनी ये एक्टोडर्म से, बीच के सेल मेसोडर्मल सेल हैं और जो हमारी ये ट्यूबो टिम्पैनिक जो पाउच बन रहा था फर्स्ट फेरिंजियल पाउच जो बन रहा था उसका पार्ट जो कि एंडोडर्मल पार्ट था। तीनों मेम्ब्रेन जो हैं जर्म लेयर जो हैं ये बनाती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एक्टोडर्म इन्वेजिनेट ऑपोजिट टू द फेरिंजियल पाउच। अब यहाँ पर ये वाला जो एक्टोडर्म है, देखिए फेरिंजियल पाउच जो थी उसमें एंडोडर्म था, ये जो ग्रूव बना था फर्स्ट फेरिंजियल ग्रूव ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स द इस टिम्पैनिक कैविटी की तरफ और जो कि एक्टोडर्म है। ठीक है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और बीच के जो मेसोडर्मल सेल हैं वो बीच में जो है वो फ्यूज कर जाते हैं। अब ये एक्टोडर्म का जो इन्वेजिनेशन होता है टुवर्ड फेरिंजियल पाउच ये बना देता है टिम्पैनिक कैविटी और बॉटम पर जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो बन जाती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस जो होती है, कैनाल जो होती है वो फर्स्ट फेरिंजियल क्लेफ्ट होती है। ठीक है, हमने देखा क्लेफ्ट के दोनों तरफ जो फेरिंजियल आर्च थी वहाँ से जो है ये पाउच और जो ओसिकल्स जो हैं वो निकलती हैं और धीरे धीरे ये एपिडर्मल सेल जो होते हैं बॉटम में जो मीटस की बॉटम के सेल होते हैं वो प्रोलिफिकेट कर जाते हैं और वहाँ पर एक सॉलिड एपिथेलियल प्लेट बना लेते हैं ये वाली। ये जो प्लेट बनती है ये प्लेट जो है धीरे धीरे यहाँ पर एक मिटल प्लग बन जाता है और ये प्लग जो है डिसॉल्व हो जाता है और एपिथेलियल लाइनिंग जो होती हैं मीटस के फ्लोर पर वो डेफिनेट जो ईयर ड्रम है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर अब कंप्लीट डेवलपमेंट जो है वो
आप देख पा रहे हैं मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर की जो है वो बननी शुरू हो जाती है। ये टिम्पैनिक कैविटी जो है पूरी तरह से बोन्स को कवर कर लेती है और इसकी ऑडिटरी ट्यूब जो है स्टीचियन ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पर एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म फ्यूज करके एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बना लेते हैं और ये जो फर्स्ट फेरिंजियल ग्रूव था ये इन्वेजिनेट करता है तो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या कैनाल बना लेता है। अब इस कैनाल का जो आउटर पोर्शन होता है वो बनाता है पिन्ना। मैमल्स के अंदर जो एक्सटर्नल एंड होता है मीटस का वो पिना में डेवलप हो जाता है। पिना वास्तव में फ्यूजन ऑफ सिक्स ऑरिकल हिलॉक्स से बनता है। कहता फोर्थ की जो डेवलपमेंट स्टेज होती है फोर्थ वीक में यानी कि वन मंथ के आसपास उस समय ओरिकल जो है वो डेवलप होते हैं फ्रॉम सिक्स मीजन काइमल प्रोलिफिकेशन जिसको हिलॉक्स बोलते हैं और फर्स्ट एंड सेकंड फेरिंजियल आर्च जो फर्स्ट और सेकंड फेरिंजियल आर्च है वहाँ से क्या होता है दोनों तरफ जो है वो मीजन काइम प्रोलिफिकेशन हो जाती है यानी कि एक थिकनिंग ग्लोबुलर से स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाते हैं आइदर साइड में बनते हैं एक्सटर्नल मिलस के और ये धीरे धीरे जो है आपस में फ्यूज कर जाते हैं और एक पिन्ना जो है वो सिंथेसाइज कर लेते हैं। इनिशियल स्टेज में वो ऑरिकुलर हिलॉक्स कहलाते हैं ठीक है। फिर ये इस जो एक्सटर्नल मिलस है उनके आइदर साइड में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अरेंज हो जाते हैं और धीरे धीरे ये देखिए डिफरेंट पार्ट ऑफ द जो पिन्ना होते हैं उनको कंस्टिट्यूट कर देते हैं और एक पिन्ना की डेवलपमेंट जो है वो हो जाती है। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ ईयर जिसमें मैं कोशिश की है मैंने आपको समझाने की और मैं पूरी तरह से ये कंफर्म भी हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।